फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सेंट्रल नोएडा के अंदर रेंट पे फ्लैट। ये बेसिकली इसमें मैं आपको 2 BHK, 3 BHK और जो भी साइजेस हैं वो फ्लैट दिखाने वाला हूं। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और चलिए इस वीडियो में आपको जो दिखाने वाला हूं शुरू करते हैं। चलिए तो मैं आपको टावर में लेके चलता हूं। किस तरह से ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है टावर की, ये सिक्योरिटी गार्ड का काउंटर है, ये वेटिंग एरिया है। हर टावर के नीचे वेटिंग एरिया दिया हुआ है। अब चलते हैं हम फ्लैट की तरफ। ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूं ये 2 BHK का साइज है। ये पूरी लॉबी है। रेंट पे जनरली आप जब भी फ्लैट लेंगे तो आपको ये स्टील का गेट लगा के देते हैं, स्टील या लोहे का, ये आपको मिलेगा। चलिए अब हम फ्लैट देखते हैं। ये हमने एंटर करा, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, इसके साथ बालकनी। ये जो मैं फ्लैट आपको दिखा रहा हूं ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है। बाकी ऑप्शन इसमें अलग अलग फ्लोर पे भी होते हैं। ये किचन है 2 BHK। RO आपको मोस्टली लगा हुआ मिलता है, मॉड्यूलर किचन रहता है इसमें। गैस पाइपलाइन होती है IGL की। फिर ये कॉमन टॉयलेट हो गया। ये इसके जस्ट बगल में मास्टर बेडरूम, वुडवर्क करा हुआ मिलेगा आपको। अगेन मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी। अब चलते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। ये किचन से जस्ट लगा हुआ है दूसरा रूम। ये जो वुडवर्क वगैरह आप देख रहे हैं ये मोस्टली करा हुआ मिलता है। ये वॉशरूम हो गया रूम के साथ। देन अगेन बालकनी। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये क्लब है। यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है केपटाउन, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें 3 क्लब है। ये क्लब टूर, ये गार्डन, ये जो मैं आपको फ्रेंड्स दिखा रहा हूं ये साइज है 930 स्क्वायर फीट का 2 BHK। इसमें 2+ स्टडी भी है और 3 BHK के साइज भी हैं कुछ। ये जो फ्रेंड हम साइज देख रहे हैं ये है 3 BHK का। ये इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, ये बालकनी, किचन, सारे रूम्स में कबर्ड लगी हुई है। 2 टॉयलेट 3 BHK के साथ है। ये सोसाइटी का पार्क है, काफी सारे हैं। एक ये बड़ा पार्क है, फिर अंदर भी है उधर वो पार्क, एम्पी थिएटर। ये पूरा सोसाइटी है। ये जो साइज है ये 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट है। इसका किचन, अभी पेंट वर्क चल रहा है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे जो ये सोसाइटी है सुपरटेक केपटाउन, बेसिकली जैसे मैंने बताया था सेक्टर 74 में पड़ती है, तो यहाँ पे क्या क्या साइज अवेलेबिलिटी है? अगर कोई रेंट पे आके लेना चाहे तो क्या रेंटल वैल्यू है इसकी, क्या रेंटल रहता है,
तो वो मुझे डिटेल बताइए साइज। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है सबसे जो छोटा साइज है वो 930 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, उसमें आपके दो बेडरूम होंगे। ओके, और दो वॉशरूम होंगे, एक कॉमन होगा एक अटैच वॉशरूम। अच्छा, और बाकी इसमें जो फैसिलिटी है जैसे स्टील का गेट हो गया बाहर, और अंदर मॉड्यूलर किचन हो गया, आरओ हो गया। मैं आपको एमिनिटीज बता देता हूँ। इसमें आपका सेफ्टी डोर रहता है जो आयरन का रहता है जी, मेन गेट। इसके अलावा आपका मॉड्यूलर किचन होगा, दोनों कमरों में कबर्ड होगा आपका जी। आरओ प्योरीफायर देते हैं यहाँ पे जी, लाइट फैन, कर्टन रॉड, एग्जॉस्ट, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा, गीजर वगैरह का भी रहता है? हाँ, एक गीजर भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, सर्दियों में। ओके, ये ओनर की तरफ से ही देते हैं? ओनर की तरफ से। अच्छा, और अगर ये सबसे छोटा जैसे आपने बताया 930 स्क्वायर फीट का है, तो इसका रेंट कितना होता होगा सर? इसका सर 13,000 रेंट होता है विदाउट मेंटेनेंस। 2500 इसका मेंटेनेंस होता है। 2500 मेंटेनेंस, टोटल इसका कॉस्ट जो आता है 15,500 का इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। अच्छा, और उसके बाद जैसे हमने एक 3 BHK वाला साइज देखा था, उसकी अगर मैं बात करूँ? 3 BHK सर यहाँ पे जो है तीन साइजेस आते हैं जी। सबसे छोटा आता है 1295। ओके, क्या रेंट होगा उसका? उसका 18,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। ओके, और इससे बड़ा जो आता है फिर 1505 स्क्वायर फीट का आता है, वो 19,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस आता है। अच्छा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस से ये आप जो रेट बता रहे हैं सारे इंक्लूडिंग मेंटेनेंस मुझे बता रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो देना होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। और वाटर वगैरह कोई चार्जेस? 210 रुपए आपके वाटर चार्जेस फिक्स आते हैं। अच्छा, और उससे बड़ा साइज क्या होगा इसमें? इससे बड़ा भी आता है एक 1625, जिसमें आपके तीन बेडरूम होंगे और तीन ही वॉशरूम होते हैं इसमें। अच्छा, तो एक चीज मुझे और बताइए, जैसे ये लोकेशन जो है सेक्टर 74 है, इसका मेन लोकेशन का फायदा क्या है या किस तरह के लोगों के लिए ये लोकेशन अच्छी है रहने के लिए? ये देखिए, अगर आपको लोकेशन की बात करें तो ये जो सेक्टर 74 जो पड़ता है, ये सेंट्रल नोएडा के अंदर पड़ता है। ओके, ठीक है। यहाँ से अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आपका सेक्टर 50 जो एक्को लाइन का मेट्रो पड़ता है, वो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में पड़ता है। ओके, ठीक है। अगर ब्लू लाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पड़ता है सेक्टर 52। ओके, जो कि द्वारका दिल्ली के लिए कनेक्ट करता है। ओके, और यहाँ से सर जो जैसे लोगों के ऑफिसेज होते हैं, तो ऐसे कौन से एरिया हैं जो ये पूरा कवर कर जाता है? मतलब किसी को अगर आसपास ऑफिस है किसी का, तो कौन किन लोगों के लिए बेटर है ये लेने के लिए जगह? वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सेक्टर 62 एरिया पड़ता है यहाँ पे नोएडा के अंदर, वो यहाँ से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। ओके, 10 से 15 मिनट लगता है अगर। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे सारी आईटीज वगैरह हैं जी। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका नोएडा एक्सप्रेसवे पड़ता है जी, 126, 128, 137 जी, ये सारा भी पूरा आईटी सेक्टर है पूरा। अच्छा, यहाँ से ये बीच का सेंटर नोएडा है, यहाँ से आप दोनों साइड जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे को भी 15 से 20 मिनट लगते हैं जी। अगर आप 62 जाएंगे जी, तो वहाँ यहाँ से 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे। ओके, और जैसे सर एमिनिटी की बात करूं, तो जैसे सोसाइटी की जो एमिनिटी होती है, जैसे क्लब हो गया, क्लब की फैसिलिटी हो गई, बाकी चीजें हो गई, वो कैसे हैं या शॉप वगैरह? हाँ, अच्छा, देखिए क्लब की बात करें तो क्लब का यहाँ पे अगर टेनेंट यूज करता है क्लब की फैसिलिटी, तो उसके लिए 500 पर हेड लगता है यहाँ पे। पर हेड? ओके, मतलब जितने फैमिली मेंबर है 500 पर हेड लगेगा। ओके, अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए 500 पर मंथ देना होगा जी। और उसमें जो फैसिलिटीज मिलेंगी, आपका जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, टेबल टेनिस हो गया, स्नूकर वगैरह। ओके, मतलब क्लब वाली सारी ऑलमोस्ट फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और अगर मैं बात करूं सर, और किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस वगैरह? हिडन चार्जेस तो और कोई नहीं है। Okay. एक महीने का यहाँ पे एडवांस रेंट चलता है यहाँ पे। ओके, एक महीने की सिक्योरिटी चलती है जो कि ओनर को जाता है। ओके, ठीक है। बाकी जो एग्रीमेंट वगैरह, अगर आप डिपेंड करता है आप डायरेक्ट ले रहे हैं या फिर ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं जी, तो उसका अलग से चार्ज है। किसी को अगर सर फ्लैट लेना है, जैसे मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो बाहर से आते हैं, उनको काफी लोगों के आगे नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका नंबर अगर आप बता पाए? हाँ, मैं आपका इसमें आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरा नंबर है 8826 जी 29 जी 7476। ओके, आपका नाम है सर? मेरा अमित सिंह नाम है। अमित सिंह, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर इस सेक्टर में आपको फ्लैट चाहिए होगा तो। ओके, और आप यहाँ के ऑथराइज कंसल्टेंट? मेरे पास यहाँ का ऑथराइज कार्ड भी है। ओके, हाँ, मेंटेनेंस की तरफ से हमारी सारी आईडीज वगैरह लगी हुई हैं। ओके, तो प्रॉपर हम जेन्युइन तरीके से फ्लैट दिलाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके समय के लिए। थैंक यू।